यीशु सहाय जय मसीह की सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा उसका आशीष और अनुग्रह के लिए कि अब तक मुझ पर बनी है। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस अंधकार के सारे कामों से छुड़ा कर मुझे अपना अद्भुत ज्योति में बुलाया है। इस प्रकार पहला पत्रास 2:10 में कहता है, तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन तब अब तुम पर दया हुई है। सच में ये वचन जो है मुझ पर लागू होती है। पहले मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन तब परमेश्वर अपना दया दृष्टि मुझ पर की, अपना अनुग्रह के द्वारा मुझको उस अंधकार से खींचकर अपना अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि मैं उसके गुण को प्रकट कर सकूं। जिस प्रकार यूहन्ना 15:16 में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। सच में यीशु मसीह मुझको चुना है और इसलिए मैं आज बहुत खुश हूं कि यीशु मसीह मुझको चुनकर एक सेवन डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का परिवार में शामिल किया है। इस परिवार का मैं सदस्य हूं जहां संपूर्ण सच्चाई का अभ्यास किया जाता है और इससे बढ़कर मुझे खुशी होती है कि ये सेवन डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में नहीं बल्कि परमेश्वर ने अपना परिवार में मुझको शामिल होने के लिए चुन लिया है, मुझे बचाया है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझको अपना परिवार में उस स्वर्गीय राज के परिवार में होने के लिए मुझे चुन लिया है। इसलिए मैं बहुत खुशी के साथ आप सभी के साथ में जो है आज मैं अपना ये गवाही साझा करने चाहता हूँ। सच में परमेश्वर बहुत अनुग्रह करी है, मुझ में ऐसा कुछ भी अच्छाई नहीं है, मुझ में कुछ भी ऐसा भलाई नहीं है, लेकिन फिर भी मुझ गिरा हुआ नीच पापी को परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया, अपना अनुग्रह दिखाया और मुझको बचाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा होकर उसका नाम का बड़ाई कर सकता हूँ, उसका गवाही देता हूँ। और आज मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, जिस तरह से परमेश्वर ने मुझको चुना, अंधकार में से बचाया, उसका मैं गवाही देता हूँ। और जहाँ तक ये मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि मैं परमेश्वर के वचन को, जो लोग अंधकार में भटके हुए थे, जो लोग मेरी तरह जैसा मैं डूबा हुआ था उसी तरह वो अंधकार में डूबे हुए हैं, संसार के मौज मस्ती में पड़े हुए हैं, उन लोगों तक पहुंचना मेरा प्रयास रहता है ताकि मैं उन लोगों को परमेश्वर का सही राह को दिखा सकूं, बता सकूं। सच्चे परमेश्वर कितना भला है और सिर्फ मुझको ही नहीं बल्कि आप सबको भी परमेश्वर ने अपना प्रेम और अनुग्रह दिखाया है और बचाया है। इसलिए चलिए हम सब मिलकर परमेश्वर का उस महान प्रेम को लोगों तक पहुंचाएं। जिस तरह यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, सच में परमेश्वर ने मुझे चुना और एक जगत की ज्योति होने के लिए बुलाया और तब हमारे भले कामों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा हम उसका ज्योति को लोगों तक पहुंचाए, प्रकाश दे। तब लोग जो है हमारे भले कामों को देखकर जो परमेश्वर स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें, इस तरह से हम उसका महिमा कर सकें। तो इस छोटी सी मेरी गवाही से परमेश्वर का आशीष हो ताकि आप सबको भी प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।